क्लास। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें सबसे पहला पुरुषार्थ अपनी सफलता और अपने लक्ष्य की ओर करना चाहिए। एक व्यक्ति घर से गाड़ी लेकर के निकलता है और जो गली दिख जाए वहीं घुस जाए, जहाँ चाहे वहीं गाड़ी खड़ी कर ले। उसे किसी ने पूछा कि भाई साहब कहाँ जाना है, कहाँ घूम रहे हो? सोचा ही नहीं कहाँ जाना है। ये ऐसे लोग हैं जो चल तो रहे हैं, गति तो है, लेकिन दिशा नहीं है। दिशा विहीन व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। अपने जीवन में कुछ न कुछ सफलता और कुछ न कुछ या कोई न कोई सिद्धि के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर कोई आवश्यक है तो हमारे शब्दों का, हमारे भावों का उन्नयन। हम कैसे अपने आप को ऊंचाइयां दे पाएं, हम कैसे दुनिया से खुद को अलग प्रेजेंट कर पाएं, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आज की नीति में अपन सीखेंगे कि वाणी सिद्धि कैसे होती है। वाणी को सिद्ध करना बहुत कठिन काम है, लेकिन वाणी सिद्ध हो जाए फिर सब काम सरल है। आप देखना, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, पैसा कमाना बहुत कठिन है, पैसा कमा लो उसके बाद सब सरल है। शादी कर ली किसी ने, शादी करने के बाद पत्नी पति के अनुकूल हो और पति पत्नी के अनुकूल हो तो शादी करना तो सरल है, लेकिन जो परस्पर में एक साथ जो सहभागिता है वो एक दूसरे का सहयोग करे, ये बहुत कठिन है। इसलिए सबसे कठिन काम वाणी सिद्धि। और नीतिकार कहते हैं कि इसके 5 उपाय हैं। आप जो बोलोगे वो होगा, या जो होने वाला होगा वो आप बोलोगे। इसके लिए बाहर और अंदर के मिलाकर के 5 उपाय हैं। सबसे पहला उपाय होता है कम बोलें और काम का बोलें। हर किसी के कंठ में सरस्वती नहीं आती ना, हर किसी के शब्द सरस्वती की तरह आकर्षित होते हैं। कई लोगों के कंठ बहुत सुरीले होते हैं लेकिन कोई सुनना पसंद नहीं करता। कई लोगों के कंठ ऐसे होते हैं जो सुरीले नहीं होते फिर भी लोग सुनना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं लता मंगेशकर की तरह, सुरीले भी हैं और सुनना भी पसंद करते हैं। उनको वाणी सिद्ध है। आप भी वाणी सिद्धि का पुरुषार्थ करें। सबसे पहली एक जो उपाय है वो है कम बोलें काम का बोलें। जितना आप कम बोलेंगे, जितना यूजफुल बोलेंगे, लोग उतना आपके शब्दों से आकर्षित रहेंगे। जितना कम बोलेंगे उतना अधिक आपके अंदर शक्ति का संग्रह रहेगा। 2 घंटे 3 घंटे खड़े हैं चौराहे पर, बातें कर रहे हैं लोग, फोन पर बातें कर रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है। उन शब्दों का, उन भावों का जीवन में कोई स्थान ही नहीं है और उसी में आप परेशान हो रहे हो। बिल्कुल नहीं। कम बोलें और काम का बोलें। जितना पूछा जाए उतना बोलें। कम बोलें और ये सबसे पहली और सबसे कठिन है। जब आपके पास ज्ञान हो और कोई पूछ नहीं रहा हो तब देखो अंदर कैसी खुजली होती है। मैं बताऊं ये व्यक्ति कभी वाणी सिद्ध नहीं कर पाएगा। जो कम बोलते हैं काम का बोलते हैं वो गंभीर होते हैं। जो कम बोले कम काम का बोले और सुने भी तो व्यवस्थित सुने, चीजों को ज्यादा देर तक अंदर ना रख पाए। सरस्वती वहीं रहती है जहां आनंद रहता है। हर जगह थोड़ा ना सरस्वती रहेगी। दूसरा उपाय धीरे बोले। कुछ लोगों की आदत होती है वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वो
हाड़ौती में तो ऐसा है राजस्थान में कि ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं। भिंड तरफ आप जाओ, दो मित्र बात करेंगे, आपको लगा कि अभी निकली बंदूक और अभी निकली लठ। धीरे बोलना सीखे। धीरे बोलने से तात्पर्य इतना धीरे भी नहीं कि सामने वाला परेशान हो। एक जो आपकी पिच है वो व्यवस्थित होना चाहिए। व्यक्ति ज्यादा तेज आप बोलोगे तो व्यक्ति का जो आकर्षण है आपके प्रति वो खत्म हो जाएगा। वो बोलेगा भैया थोड़ा धीरे। कई बार आरती वगैरह होती, सिंगर्स आते हैं, वो इतना तेज चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, ऐसा लगता है कि बस आज आखिरी दिन है जिंदगी का, गा लो, कल तो मिलेगा ही नहीं बोलने। घर में भी ऐसे होता है, धीरे। एक लड़का एक लड़की देखने गया शादी के पहले, तो भाई लड़का लड़की दो मिनट बात तो करते ही हैं। तो लड़की ने कुछ कहा तो लड़के ने कहा थोड़ा आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। नहीं नहीं मैं इतनी धीरे बोलती हूँ। अच्छा, लड़का खुश हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद उसने वीडियो बना के डाला, खतरनाक। बोले क्या? लड़की चिल्लाती, इससे धीरे नहीं बोल सकती मैं। समझ में आ गया कि नहीं? अरे बोले उस समय वो तो ड्रामा था, अब तू मेरे बस में है। समझे, धीरे बोलना सीखे। मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, नीति कक्षा ले रहा हूं, कितना पोलाइटली चल रहा है। कहीं आप बैठ करके बोलें और हजारों लोग टिमकार आंखों की बस करके आपको देख रहे हो, पिन ड्रॉप साइलेंट रहे। ऐसे दिन के लिए आपको एक मीडियम पिच में बोलना पड़ेगा। बीच में लगता है कि हाँ कुछ जरूरी है तो थोड़ी सा आप पिच ऊपर करके वापस ले आए। धीरे बोले, परस्पर में धीरे बोलेंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा और आपको वाणी सिद्धि होगी। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपको वाणी सिद्धि कैसे है, तो मैंने कहा नीति इसी पे लिख देते हैं। तीसरा उपाय मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा बोले, मीठा बोले। गलत व्यक्ति भी आपके सामने आ जाए तो भी उससे अच्छा बोलें। गलत वो है, हम अपनी भाषा को अपनी वाणी को गलत क्यों करें। एक व्यक्ति ने आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, उस पर कचरा डाल दिया, आपने कैमरा देखा, उसमें आ गया कि इसने आपकी गाड़ी के ऊपर कचरा डाल दिया। ठीक है, आप उससे बात करने गए भी आपने क्या किया है, तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। हो सकता है कि वो अच्छे भाषा वाला नहीं हो, गाली दे, फिर भी आप गाली ना दें, मीठे और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। लखनऊ आप जाओ, वहां दो लोगों की लड़ाई हो जाए तो क्या बोलते हैं, देखिए साहब आप हमारे उपान, आपके सिर माथे में राजे। उपान ये ने जूते, हमारे जूते तुम्हारे सिर माथे में राजे। गाली नहीं दी उसने, लेकिन दे दी उसने। जब भी मौका पड़े, समय खराब हो या आपको लग रहा है कि अब कंट्रोल के बाहर है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। आइए 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 बैठिए, आप थोड़ा लेट आए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि सामने वाले का सुधार हो ना हो अपना बिगाड़ हो जाएगा और हमें अपना बिगाड़ नहीं करना। मीठा बोले, अच्छा बोले, हर किसी से अच्छे से बात करें। ये मीठे बोलने से मतलब वो चाशनी वाला नहीं, शब्दों का प्रयोग अच्छा करें। जैसे आप कहीं बैठे और आपको किसी जानवर की बात करना है तो वो जो शब्द आपकी भाषा को नीचे ले जाए उसका प्रयोग ना करें। गली में घूमने वाला जानवर बोल दें, वो जानवर जो भौंकता है स्वान। लेकिन जो शब्द मैं नहीं कह रहा हूं उसको नहीं कहना है, समझ रहे ना आप? उसको आप मन में सोच चुके हो लेकिन कह नहीं रहे हो, वैसे ही ध्यान रखना है। ये तीसरी चौथी बात जो मेरे जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुभव रहा, मेरे जीवन के लिए कि स्तंभ रहा, गुरु मंत्र का अंतर मन में जाप। जो गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया हो, आपने गुरु जी से गुरु बना करके लिया हो, उसका अंतर मन में जाप करें श्रद्धा के साथ। ध्यान रखना, सरस्वती चल के आएगी, सरस्वती चल के आएगी, वाणी सिद्धि होगी। गुरु मंत्र की आवृत्ति करें।
चक्की होती, चक्की तो दो पांटे घूमते हैं, उन दो पांटे के घूमने से गेहूं पिसता है, सही है, दो पांटों के घूमने से गेहूं पिसता है, सिद्धि हो गई, गेहूं से आटा हो गया। आवृत्ति, विज्ञान कहता है कि एक सिद्धांत है आवृत्ति का, जितनी अधिक आवृत्ति करेंगे उतनी अधिक ऊर्जा बनती है। न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं जो बिजली बनाते हैं, वो क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं। डैम होता है उसमें क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं। पवन चक्की होती है उसमें क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, टरबाइन आवृत्ति, जितना आप पुनः पुनः अभ्यास करते हैं पढ़ाई का उसमें होती आवृत्ति। ऐसे गुरु मंत्र जो होता है श्रद्धा के साथ जिसने आवृत्ति की है उसको वाणी सिद्धि होती है। लोगों को लगता है कि मैं क्या प्रयोग करता हूँ, मैं कोई प्रयोग नहीं करता, जो गुरु जी ने हमको मंत्र दिया है हम उसी का प्रयोग करते हैं। पंच परमेष्ठी वाचक वो मंत्र है और हमारी उस पर अटूट श्रद्धा है। बस कोई आया, गुरुदेवी तकलीफ है, आशीर्वाद है, वो हमने मंत्र जपा, आपको आशीर्वाद है, तुम्हारी भावना सही है, तुम्हारा काम हो जाए। आवृत्ति करें, और जितनी ज़्यादा आवृत्ति करेंगे उतनी ज़्यादा बिजली बनती है। जितनी ज़्यादा आप गुरु मंत्र की आवृत्ति करेंगे उतना अधिक जल्दी आपके वाणी सिद्ध होगी। और ध्यान रखना, आपने अगर उसका गलत प्रयोग किया है तो वो सिद्धि चली भी जाएगी। और अंतिम पांचवा उपाय, जरूरी हो तभी बोलें, जो इम्पोर्टेंट लगे जब तब बोलें। कई लोग व्यर्थ की बातों की व्यवस्थाओं में लग करके अपना समय बर्बाद करते हैं। सामूहिक पूजा चल रही है, हाँ तुम उठो, तुम वहां बैठो, ऐसा नहीं वैसा करो, सब कर लेंगे एडजस्ट, आप परेशान मत हो। वो किसी जिसको एडजस्ट, जो एडजस्ट नहीं भी करे तो नहीं भी करे। वैराग का मार्ग, साधुता का पथ इसी विषय का है। जरूरी हो तो बोलें, जरूरी नहीं हो तो शांत रहें। दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं है, दुनिया से बोलने का हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। जरूरी हो तो बोलें। मैंने पूछा कि आप बताइए ये क्या होता है, तो वहां से बोलना चालू कर दिया किसी ने, ये ऐसा होता है, तुमसे पूछे ही नहीं, आपसे पूछे ही नहीं, बेइज्जती और हो जाएगी, समझना, बेइज्जती और हो जाएगी, लोग आपकी इंसल्ट कर देंगे। जरूरी हो तो बोले वरना शांत रहे। टीसी आया ट्रेन में, यहां कौन बैठा है, सर मुझे नहीं पता, वो बाथरूम में जाके छिप गया है, ये लोग तीन लोग आए हैं, इतना सारा बोलने की जरूरत क्या है, दूसरे की हाय लग जाएगी। जितने इंपॉर्टेंट हो उतना बोले, गुरु भी कुछ पूछे, जितने इंपॉर्टेंट हो उतना ही उत्तर दें। ज्यादा उत्तर के चक्कर में रहेंगे तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति के यहाँ इनकम टैक्स के लोग आए, तो भाई इनकम टैक्स का आदमी आया, सब चीजें नोट कर रहा था, उसने पूछा घड़ी कितने की लाए थे, ये घड़ी कितने की लाए थे, इतना बोल देता कि 1,000, 2,000, 5,000 जितने की थी। वो कहता है जब मैं दुबई गया था तब लाया था, दुबई की टिकट दिखा तू, कितने दिन के लिए गया था, कितने होटल में रुका था, कहाँ क्या खाया था, वहां से सोने का क्या लाया था, सब निकाल, दुबई गया तो सोने की चेन तो लाएगा, आप खोल इसकी तिजोरियां। जितना पूछा उतना बोले, जो जरूरी हो वो ही बोले, इंपॉर्टेंट ना हो तो ना बोले। जिस चीज से आपकी इमेज जाए वो तो बोले ही ना। ये पांच उपाय हैं वाणी सिद्धि के। जिसने पांच उपायों पर काम किया है सरस्वती कंठ में आएगी। अब वो कब आएगी, कितनी देर में आएगी, वो तुम्हारे बुलाने पर है, तुम्हारे धीरज पर है, तुम्हारे अभ्यास पर है, तुम्हारी एकाग्रता पर है। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा, अनुभव किया है, कि सोचा नहीं कि सरस्वती प्रकट हो जाती है। कोई देवी नहीं है, ना कोई वीणा लेकर के बजाने के लिए कोई खड़ा है। सरस्वती मतलब वो जो आपके हृदय में जिनवाणी के रूप में, मैं जो आपसे कह रहा हूं मैं रट के नहीं आया हूं,
ना मैंने उसके लिए 2 घंटे प्रैक्टिस की है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं पहले बैठने के पहले बोलता हूँ कि हे माँ सरस्वती, मैं गद्दी पर हूँ, अगर कुछ गलत निकल गया तो लोग हंसी तुम्हारी करेंगे, तो क्या करूँ? सरस्वती पूछती तो क्या करूँ? तो मेरे कंठ में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे मुख में, हृदय में, हाथों में आकर तू विराजमान हो, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। फिर आप देखो सरस्वती क्या आपको सपोर्ट करती है। लेकिन आपका आचरण पवित्र हो, आपकी भावनाएं पवित्र हो, आप उस वाणी सिद्धि का दुरुपयोग ना करते हो, किसी को श्राप ना देते हो। गाड़ी भी तभी अच्छी चलेगी जब आप एक लिमिटेड स्पीड पर चलाते हैं, ज्यादा स्पीड कम स्पीड, ज्यादा स्पीड कम स्पीड, एवरेज खराब, इंजन बैठ जाएगा, एवरेज खराब हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा। आप सबके पास फोन होगा, है ना? कब कब चार्ज करते हो फोन को? जब मौका मिल जाए तब। जो लोग जब मौका मिल जाए तब फोन चार्ज करते हैं, इनके फोन का बैटरी बैकअप 80% हो जाता है, 100% चार्ज करने पर भी 80% रहेगा। जब आपके फोन को 10% बैटरी बची हो तब चार्ज करें, तो आपका बैटरी जो बैकअप है वो लंबा चलेगा। ऐसे ही भोजन का भी सिद्धांत है, भोजन का भी यही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जब भूख लगी थोड़ा सा खा लिया, फिर थोड़ा सा खा लिया, नहीं नहीं, जब भूख लगे जम के एक बार बैठ करके खा लो। जब भूख लगे एक बार बैठ के भरपेट खा लो, थोड़ा सा एक रोटी अभी खाई, 2 पराठे 1 घंटे बाद खाए, फिर थोड़ा सा काजू खा लिए, फिर चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, फिर रूह अफ़ज़ा पी लिया। ऐसा करने से पेट भरेगा नहीं, उस मशीन को शांति भी नहीं मिलेगी, मशीन को थोड़ा रिलैक्स भी मिलना चाहिए। आपकी जो वाणी है, कंठ है, उसको सिद्ध करना है, थोड़ा रिलैक्स भी देना पड़ेगा। कम बोलें, काम का बोलें, जरूरी ना हो तो ना बोलें। सफलता और सिद्धि के लिए जैसा लक्ष्य हो वैसा परिश्रम करेंगे, निश्चित मानना सफलता आपको अनंत गुनी मिलेगी। मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि मैंने हर दिन सीखा है, हर दिन कुछ नया निर्णय लिया है, और इससे मैं बहुत सफलता को प्राप्त हुआ हूँ, और आप भी इसी से सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। आप सभी वाणी सिद्धि के लिए, सरस्वती के आगमन के लिए ये पुरुषार्थ करें, निश्चित मानना आप बहुत ऊंचाइयां पाएंगे। शेष आगे देखेंगे, भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास।